नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जसपाल सिंह और मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल गिल ट्रक बॉडी समाना पर। तो अशोक लेलैंड ने BS6 में यहां पर BS4 वाली जो सबसे पसंदीदा शो थी, तो BS6 में जो अवतार सीरीज आई है उसमें क्या होता है, जो शो है उसकी थोड़ी फुलावट ज़्यादा कर दी है। तो यहाँ पर BS6 में BS4 वाली शो यहाँ पर लेकर आ गई है। यहाँ पर जो शो आ रही है लेलैंड की, वो इस तरह की आ रही है BS6। यहाँ पर मैं लास्ट वाली गाड़ी आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर 1920 HF का यहाँ पर मॉडल लगा हुआ है, अशोक लेलैंड की बैजिंग है और वही जो सिग्नेचर है लेलैंड का, वही सामने यहाँ पर डैशबोर्ड दिया हुआ है। बम्पर यहाँ पर मेटैलिक बम्पर है, सिंगल हेडलाइट यहाँ पर दी हुई है, डबल हेडलाइट आप यहाँ पर करवा सकते हो। इंडिकेटर्स यहाँ पर साइड दिए हुए हैं सेम टू सेम जैसे पहले आता, एयर क्लीनर यहाँ पर दिया हुआ है और प्लस EDC और VDC के पॉइंट्स, फ्यूज बॉक्स यहाँ पर दिया हुआ है, कनेक्टर साइड पर साइड माउंटेड इंडिकेटर्स भी दिए हुए हैं, क्लैडिंग बहुत ज़्यादा बड़ी। और सबसे बढ़िया बात है BS6 में जो मडगार्ड आ रहे थे वो यहाँ पर लेलैंड ने BS4 में जैसे अंदर आते वो वैसे ही वैसे कर दिए हैं। दोबारा से ZF का यहाँ पर देखते हो गेयरबॉक्स आ रहा है 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ, और बैटरीज हैं, 2 बैटरीज हैं 12-12 वोल्ट की, यहाँ पर कट ऑफ स्विच भी लगा हुआ है, मेटैलिक यहाँ पर डीजल टैंक है, 300 लीटर की कैपेसिटी का यहाँ पर मेटैलिक डीजल टैंक मिल जाता है, 2 प्रेशर टैंक इस बैटरीज के नीचे यहाँ पर मिल जाती है और 8 mm की थिकनेस के साथ चेसिस बिल्डअप की हुई है। और जो यहाँ पर मॉड्यूलर फॉर्म में आई थी गाड़ी अवतार सीरीज, वो भी यहाँ पर अवेलेबल है, 20 फिट 18 फिट 20 फिट 22 24, इस तरह के 2-2 फिट में आप ये गाड़ी परचेज कर सकते हो। क्रॉस मेंबर्स यहाँ पर रिवटिंग नहीं की हुई, यहाँ पर वेल्डिंग कर दी है, साइड से ही यहाँ पर बोल्टेड कंस्ट्रक्शन है, रिवटिंग का काम यहाँ पर हटा दिया है, पीछे सेमी इलिप्टिकल कमानियाँ यहाँ पर दी है, टायर साइज है वो 295/90R 20 का रेडियल ट्यूब टायर्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, स्पेयर व्हील है वो यहाँ पर पीछे, यहाँ पर इनर माउंटेड यहाँ पर दे दिया है और यहाँ पर स्टॉपर्स दिए हुए हैं, प्लस यहाँ पर रिवर्स पार्किंग जो सेंसर है वो यहाँ पर नहीं दिख रहे, वो आपको मिलेंगे उस बक्से में, वो आपको बॉडी बिल्डर को यहाँ पर फिट करने पड़ेंगे। उसकी जो यहाँ पर देख सकते हो वायरिंग है वो यहाँ पर निकाली हुई है। BS6 में ये कंपलसरी है कि आपको वो सेंसर्स लगाने पड़ेंगे ही पड़ेंगे। LED टेल लैंप्स जो अभी आ रही हैं वही आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं, और AdBlue का टैंक यहाँ पर, और यहाँ पर आता है ATS आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम यहाँ पर आ जाता है। और यहाँ पर बात कर लेते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, इंग्रेस बहुत बढ़िया है, 3 फुटस्टेप की इंग्रेस यहाँ पर पहले की जैसे यह आ रही है यहाँ पर देख सकते हो आप। और लेलैंड का यहाँ पर पावर स्टेयरिंग यहाँ पर आ जाता है, सीट्स यहाँ पर आगे पीछे और बैक सीट भी एडजस्ट कर सकते हो, पावर यहाँ ऊपर आप यहाँ पर देख सकते हो, सीट बेल्ट का ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है। अगर हम यहीं पर बात करें आगे की टायर्स भी, यहाँ पर आपको सेम आगे की टायर 295/90R 20 के रेडियल ट्यूब टायर्स आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। और यहीं पर बात कर लेते हैं हम इस गाड़ी के यहाँ पर प्राइस टैग, जो 20 फिट की लंबाई का प्राइस टैग है वो 22 लाख रुपए की ये गाड़ी यहाँ पर पड़ रही है। यहाँ पर देखो 3 गाड़ियाँ यहाँ पर अभी मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। गिल ट्रक बॉडी बिल्डर्स का आप यो चैनल है वो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। नमस्कार दोस्तों।